तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड स्वागत है आपका और एक नई फ्री फायर की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं ब्राज़ील सर्वर में, और ब्राज़ील सर्वर में आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर कैसे इवेंट्स आए हैं इस अभी, और कैसे वहाँ पर स्टोर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और अपकमिंग डायमंड रॉयल, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा गेम जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ देख सकते हो ये मेरी न्यू आईडी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, तो चलिए यहाँ पर कुछ क्लेम का दिया है तो कुछ क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो ब्राज़ील सर्वर कितना मस्त सर्वर है। यहाँ पर M10 का इंक्यूबेटर अभी चल रहा है। M10 का इंक्यूबेटर यहाँ रिटर्न में आया है, और ब्राज़ील सर्वर में लेकिन कोई गन्स की एट्रीब्यूट्स नहीं होती, मतलब कोई गन स्किन हो तो उसकी एट्रीब्यूट्स नहीं होती, शायद आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्टोर से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ क्या क्या आया हुआ है। खैर चलिए, यहाँ पर हम ये वाला बंडल आप देख रहे हो, ये हमारे सर्वर में आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, और ये एक कोलैबोरेशन वाला बंडल है मैकलेरन के साथ। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक बंडल दिख रहा होगा, ये वाला बंडल भी हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है, और इसका मास्क बहुत ही ज़्यादा ओपी दिख रहा है। उसी के बाद हमें ये वाला बंडल हमें देखने को मिलता है, शायद ये हमारे इंडियन सर्वर में आया है या नहीं आया, मेरे को पता नहीं है, शायद ये हमारे इंडियन सर्वर में नहीं आया है, ये इसका मेल वाला है, और इसके बाद इसका फीमेल वाला बंडल है। तो ब्राज़ील सर्वर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो इंडियन सर्वर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायमंड के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले बंडल का प्राइस, देखो भाई साहब 1399 डायमंड, इतने डायमंड लगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बंडल है, ये देखो ये बंडल आपने कभी देखा भी नहीं होगा, यहाँ पर ये स्टोर में अवेलेबल है या फिर कभी आया होगा। और ये तो ये है, ये बंडल हमें फ्री में देखने को मिला था। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ये बंडल भी, मैंने कभी नहीं देखा, क्या आपने देखा है ये वाला बंडल, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ब्राज़ील सर्वर में। उसी के साथ इसका फीमेल वाला बंडल भी यहाँ हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडियन सर्वर में शायद नहीं आया है और ब्राज़ील सर्वर में स्टोर में अवेलेबल है। और ये देखो गाइस, ये फीमेल वाला बंडल, ये बंडल मैंने आज पहली बार देखा, और ये बहुत मस्त लग रहा है मेरे को ये बंडल, लेकिन यहाँ पर डायमंड के प्राइस बहुत ज़्यादा है बस बंडल के, रेयर बंडल यहाँ पर अवेलेबल। और ये देखो सेंटा क्लॉस वाला बंडल, ग्रीन सेंटा क्लॉस वाला बंडल, जो कि इंडियन सर्वर में रेयर है थोड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला बंडल कहाँ गया, हाँ ये वाला बंडल गाइस इंडियन सर्वर में अभी तक नहीं आया है, ये वाला गाइस। तो ये बंडल हमें अभी तक देखने को नहीं मिला हमारे इंडियन सर्वर में वैसे तो। उसी के साथ चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पर हेड गियर में कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग इमोट्स में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कोरोथियन वाला यहाँ पर अवेलेबल है स्टोर में, जो कि हमारे इंडियन सर्वर में बस गिफ्ट स्टोर में अवेलेबल है। और ये कौन सा बंडल है भाई, आज पहली बार देखा मैंने ये बंडल, क्या आपने ये बंडल हमारे इंडियन सर्वर में कभी देखा था गाइस, मैंने तो आज पहली बार देखा। और ये शर्ट यहाँ पर गंजी मिल रही है, जो कि वेस्ट हाइड नहीं करती, फिर भी यहाँ पर डायमंड्स में मिल रही है, तो उतना कुछ खास तो है नहीं यहाँ पर। और पैंट्स में भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे इंडियन सर्वर में नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ब्लू डाइनो आया है एक इवेंट में, क्या बात है भाई, ब्लू डाइनो यहाँ पर आया है हमारे इंडियन सर्वर में, तो एक साल में भी एक बार आता है, और यहाँ पर तो मतलब भाई स्टोर में अवेलेबल है, शायद से कोई इवेंट में आया है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये ब्लैक निंजा का 1500 डायमंड, भाई इतने डायमंड। तो
तो लूट बॉक्स में तो यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, तो चलिए हम लोग बैग में देखते हैं। ये बैग मैंने आज पहली बार देखा। ये देखो ब्राज़ील सर्वर में ये बैग है अवेलेबल, जो हमारे इंडियन सर्वर में नहीं है। उसके बाद ये बैकपैक भी शायद से हमारे इंडियन सर्वर में नहीं है, और ये वाला भी शायद से नहीं है। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, या फिर हो भी सकता है, मेरे को अच्छे से पता नहीं। और ये वाला भी नहीं, ये वाला तो है। और देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे सर्वर में अवेलेबल हैं। और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, 1200 डायमंड का पैराशूट भाई लूट लिया भाई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें सर्वबोट देखने को मिलता है, जो कि ये हमारे इंडियन सर्वर में नहीं है शायद से। तो यहाँ पर हमें एक जीप की स्किन देखने को मिलता है, और ये मैकलेरन वाली एक कार की स्किन है जो हमें देखने को मिलेगी बहुत कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर आप इमोट्स में देख सकते हो, ये इमोट अभी इंडियन सर्वर में आया भी नहीं है। ये नमस्ते वाला इमोट या ऐसे हाथ जोड़ रहा है, और उसी के साथ साथ ये रोज़ वाला इमोट भी भाई स्टोर में अवेलेबल है भाई, क्या बात है। और ये देखो ये हार्ट वाला इमोट भी मेरा फेवरेट इमोट है, लेकिन ये इंडियन सर्वर में आता ही नहीं है ये इमोट एक साल में एक बार आता है एक महंगे इवेंट में, ऐसे स्टोर में अवेलेबल तो रहता ही नहीं। और ये देख सकते हो बहुत सारे इमोट्स हैं यहाँ पर। और पेट्स में कोई ज़रूरत नहीं देखने की। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हमें देखने को मिली, जो हमारे इंडियन सर्वर में आपने देखी भी नहीं होगी। और चलिए हम लोग देखेंगे मैजिक क्यूब स्टोर को। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक चीज़ अजीब लगी, यहाँ पर डायमंड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा है बंडल्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंडल कभी देखा भी नहीं होगा आपने। और ये सब तो हमारे इंडियन सर्वर में अवेलेबल है वैसे, लेकिन इसके बाद जो आप लोग देखोगे ना गाइस, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये वाला बंडल यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक डायमंड रॉयल का बंडल था शायद से, बहुत पुराना है। और ये बंडल भी रेयर है, ये वाला तो है हमारे इंडियन सर्वर में। और ये वाला बंडल गाइस, ये हमारे दिवाली में हमें देखने को मिला था। और ये इसका मेल वाला बंडल भी, ये बंडल भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये बंडल तो अवेलेबल था शायद हमारे मैजिक स्टोर में, उसके साथ साथ ये वाला बंडल गाइस, ये वाला और इसका मेल वाला बंडल, ये भी हमें दिवाली में देखने को मिला था। लेकिन बस दिवाली में बस आया था, मतलब एक साल में हमारे यहाँ बस एक बार आता है, और यहाँ पर देखो पूरे सालों साल रहता है। जिसको लेना है वो ले लो मैजिक क्यूब से, मतलब इतनी नाइंसाफी क्यूब गाइस। ये देखो ये मोरपंख वाला बंडल, उसके साथ साथ ये वाला बंडल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इसका जो फेस है ना, डेविल वाला वैम्पायर वाला बंडल, ये बहुत ओपी लगता है। क्या आपको कोई बंडल पसंद है गाइस? और उसके साथ साथ ये वाला बंडल भी गाइस बहुत ओपी है, और ये इसका मेल वाला वर्जन। और इसके साथ साथ ये वाला, इसका ये बंडल मेरे को बहुत पसंद है, और इसका जो हेयर है ये, इसलिए मेरे को ये बंडल बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ हमें ये वाला बंडल भी देखने को मिलता है, ये वाला बंडल भी वैसे बहुत अच्छा है। और ये बंडित वाला बंडल तो शायद हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में आया था, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। और ये वाला बंडल भी बहुत ओपी है। ये देखो ये फीमेल आर्टिक ब्लू कह सकते हैं आप लोग इसको। और ये देखो गाइस क्या देखने को मिलता है हमें, आर्टिक ब्लू बंडल यहाँ पर मैजिक क्यूब में अवेलेबल है। और हमारे इंडियन सर्वर में ऐसा क्यों नहीं गाइस? हमारे इंडियन सर्वर में तो कितने टट्टी टट्टी बंडल अवेलेबल है, मतलब कैसे बंडल अवेलेबल करवाएं। उसके साथ साथ ये देखो ये टॉप गेमर वाला और ये आइसेज वाला बंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और ये जोकर वाला भी यहाँ अवेलेबल है, और ये समुराई वाला, इसके बाल मेरे को बहुत पसंद है वैसे। और ये वाला बंडल भी हमें देखने को मिलता है, और ये वाला हमें पूरा सेट वाला बंडल, ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर तो एक से एक चीज़ अवेलेबल है भाई। मतलब अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाना। देखो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। तो यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है, तो चलिए हम लोग इवेंट में जाके हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर इवेंट चल रहा है। और यहाँ पर हमें ब्लू डाइनो देखने को मिल रहा है इस इवेंट में, तो देखते हैं कैसा इवेंट होने वाला है ये। तो यहाँ पर देखने को मिलता हमें एक और गाइस, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें कितना पुराना और रेयर बंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ये लड़की वाला भी हमें देखने को मिलता है बंडल, जो कि बहुत बहुत अच्छा बंडल है।
और यहाँ पर हमें 74 डायमंड्स में ग्लू वॉल देखने को मिलती है गाइस। और ये इमोट देखो, इमोट 74 डायमंड में, जो हमारे इंडियन सर्वर में अभी तक नहीं आए। मतलब ऐसे इवेंट्स आते क्यों नहीं हैं हमारे इंडियन सर्वर में, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। ये देखो यहाँ पर ब्लू डाइनो मिल रहा है, ब्लू डाइनो 224 डायमंड्स में हमें देखने को मिल रहा है, 224 डायमंड्स में ब्लू डाइनो, बताओ भाई। उसके साथ साथ ये वाला बंडल भी। और यहाँ पर ये तो हो गया, तो मैं आपको फ्री की चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लॉग इन रिवॉर्ड्स में हमें कितने मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। और ये तो स्ट्रीट फाइटर वाला इवेंट चल रहा है फिलहाल, और ये तो टॉप अप इवेंट है। और यहाँ पर ये भी शायद से स्ट्रीट फाइटर वाला ही है। तो ये एक टोकन एक्सचेंज वाला इवेंट है जिसमें हमें क्रेट्स खोलनी पड़ेंगी। तो दूसरे सर्वर में कुछ इस तरह से आया, हमारे सर्वर में आया था मेगा लक रॉयल में, मेगा लक रॉयल सॉरी गाइस, एक विश वाले इवेंट में आया था। और ये देखो गाइस, ये क्या देखने को मिलता हमें, लोकेश गेमर बंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये है टोकन एक्सचेंज वाले इवेंट में, यहाँ पर आपको क्रेट्स खोलने हैं, क्रेट्स खोल के आपको टोकन जमा करना है और आपको मिल जाएगा ये वाला बंडल। तो कितना कितना ओपी ओपी इवेंट यहाँ पर आया है देखो गाइस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो मेरे को भी क्या क्लेम करने के लिए मिला है, तो मैं भी क्लेम कर लेता हूँ और मैं भी कुछ आपके सामने खोल के दिखाता हूँ कोई चीज़। तो यहाँ पर क्या टोकन हमें देखने को मिलता है, हैट वाला टोकन। और ये देखो यहाँ पर कितना मस्त सा इवेंट यहाँ पर ला दिया, यहाँ पर फ्री फ्री में क्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे और आपके सामने यहाँ पर हम खोल के दिखाएँगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला क्रेट हम लोग परचेज कर लेते हैं टोकन से, और ये हम लोग बाद में खोलेंगे। तो यहाँ पर और हम मैं नीचे जाकर दिखा, तो ये देखो यहाँ पर भी मेरे को कुछ क्लेम करने के मिल रहा है, मैंने बस एक मैच खेला था और देखो मेरे को क्या क्या मिल रहा है। और इंडियन सर्वर में तो कुछ नहीं मिलता गाइस, मतलब इंडियन सर्वर से तो ये लाख गुना अच्छा है, ये ब्राज़ील का सर्वर मतलब सबसे बेस्ट सर्वर है। और यहाँ पर गन की शायद एट्रीब्यूट्स भी नहीं होती, लेकिन पता नहीं लेकिन ऐसा क्यों। तो चलिए यहाँ पर हम क्रेट्स खोलते हैं। ये देखो यहाँ पर टोकन एक्सचेंज में यहाँ पर हमें क्रेट्स देखने को मिलते हैं, कितनी मस्त मस्त लेजेंडरी गन्स की क्रेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या मेरे यहाँ पर कोई परमानेंट निकल सकता है, और यहाँ तो मैंने खोल भी दिया गाइस, क्या नूपंती कर दी मैंने, मैं बाद में खोलूँगा मैं। लेकिन चलो यहाँ पर हमने और दो क्रेट्स ख़रीद लिए हैं, तो इसको भी मैं खोल के दिखाऊँगा आपके सामने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट वाला मेरे को भी फ्री में क्लेम करने के लिए मिल रहा है। मतलब गाइस मैंने अभी एक दिन भी नहीं हुआ आईडी बनाते हुए, और ये देखो मेरे को कितनी चीज़ें फ्री में देखने को मिलती हैं। और इंडियन सर्वर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंडियन सर्वर में खेलना बेकार है गाइस, एकदम से बहुत बेकार है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब कंट्री तो नहीं बदल सकते हम लोग अपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हो M10 के यहाँ पर इनक्यूबेटर आया है रिटर्न में, और ये तो हमारे इंडियन सर्वर में भी आया ये वाला इनक्यूबेटर, जो इतना मुझे खास नहीं लग रहा। तो कुछ इस तरह का इवेंट्स यहाँ पर चल रहा है गाइस, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो चले अब हम लोग इस इवेंट को देखते हैं। ये देखो यहाँ पर हमें वो वाला इवेंट जो अभी हमारे गेम में आया हैकर स्टोर, वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पर फेडेड व्हील में, जहाँ पर हमारा मेल का बंडल, फीमेल का बंडल, यहाँ पर गन की स्किन, उसके साथ साथ इमोट, बैकपैक, मतलब क्या बात है गाइस। उसके बाद ये देखो ये डायमंड रॉयल यहाँ पर चल रहा है, शायद से ये हमारे इंडियन सर्वर में आ सकता है, इसके कुछ चांस हो सकते हैं। और यहाँ पर प्राइज़ में देखो गाइस कितनी मस्त मस्त चीज़ें हैं, मतलब ब्राज़ील सर्वर इज़ द बेस्ट सर्वर मैं कहूँगा। उसके बाद वेपन रॉयल में भी आप देख सकते हो, प्राइजेस में देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर गन की स्किन यहाँ पर दे रखे हैं, और इंडियन सर्वर में तो क्या ही दे रखते हैं। ये देखो ग्रेनेड की स्किन भी दे रखी है गाइस, मतलब अगर आप एक भी टॉप अप नहीं करोगे फिर भी आपको फ्री में इतना कुछ मिल जाएगा गाइस कि आपको टॉप अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ब्राज़ील सर्वर में। तो चलिए मैं आपको अब गोल्ड रॉयल दिखाता हूँ। तो गोल्ड रॉयल के प्राइस पूल में भी देखो यहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं मिलेंगी। और ये वाली शॉटगन की स्किन देखो गाइस, ये हमारे सर्वर में शायद से नहीं है। और
आपने देखा गाइस कितनी मस्त मस्त चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर क्लेम कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेपन्स में जाते हैं, फिर हम लोग गन क्रेट खोल के आपको दिखाएंगे। और ये UMP के यहाँ डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन मेरे को मिल गई, लेकिन अफसोस ब्राज़ील सर्वर में गन स्किन की कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होती, बस वो एक शो ऑफ के लिए होता है, जैसे पबजी में होता है ना गन की गन का स्किन होता है लेकिन उसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते। तो यहाँ पर चारों को एक साथ खोल देंगे हम। ओ भाई परमानेंट निकल गई, देखो गाइस क्या किस्मत है। देखो ब्राज़ील सर्वर कितना मस्त सर्वर है, यहाँ पर मेरा पहला क्रेट खोलते ही यहाँ पर मेरे को परमानेंट मिल गई, वो भी ये वाली M10 मेरे को परमानेंट निकल चुकी है, और जो कि बहुत ही ओपी बात है। लेकिन यहाँ पर पिंग का प्रॉब्लम चलता है, बस पिंग है 200 के ऊपर चलता रहता है हर समय। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो M10 की स्किन यहाँ पर मेरी परमानेंट निकल चुकी है, तो क्या बात है गाइस। तो चलिए हम लोग और कुछ और हमारे पास क्रेट थे और क्रेट ओपनिंग करते हैं। ये अल्फ़ाबेट वाला क्रेट था तो इसको भी ओपन करते हैं। तो हमारे दो अवतार निकला और इसको भी हम लोग ओपन करते हैं, इसमें क्या निकलता है। ये देखो मेरा मस्त है निकल गया फीमेल का टॉप वाला बंडल, जो कि हमारे इंडियन सर्वर में तो ऐसा इवेंट्स कभी नहीं आएंगे जिस तरह से यहाँ पर इवेंट्स आते हैं, फ्री वाले इवेंट्स। उसके बाद आपने देखा कितने मस्त मस्त इवेंट आ रहे हैं, लोकेश की बार बंडल हमें देखने को मिला, उसके बाद मैजिक क्यूब में इतने मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिली गाइस। तो ब्राज़ील सर्वर में ये सब देख के तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ कि हमारे इंडियन सर्वर में ऐसा क्यों नहीं होता। तो आपने सारी चीज़ें तो देख ली, तो यहाँ पर मैं कुछ क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो ख़ास चीज़ है नहीं, तो ऐसे ही मैं कोई लीक्स अगर आएंगे अगर डायमंड रॉयल की गोल्ड रॉयल की तो मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। अगर ब्राज़ील सर्वर में आई होंगी तो मैं आपको बता दिया करूँगा वीडियो बना के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये गन स्किन मेरी परमानेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर मेरी M10 परमानेंट निकल गई। मतलब देखो नए नए प्लेयर्स को यहाँ पर फ्री में कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो मेरे को लग रहा है आपको थोड़ी सी वीडियो बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ, इसीलिए शायद से अपनी कमेंट्री को भी मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर इमोट तो है नहीं, तो हमें यहीं से इमोट दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास कोई इमोट्स नहीं है वैसे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग इतना ही, तो चलिए हम लोग मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।